नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम। सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि का अर्थ है प्रियता और अप्रियता की अनुभूति से मन को मुक्त करना। जब तक प्रियता और अप्रियता की अनुभूति से हमारा मन मुक्त नहीं होता, तब तक हमें सम्यक दृष्टि उपलब्ध नहीं हो सकती। तब तक हमें सम्यक उपलब्ध नहीं हो सकता, भले हम कितने ही बड़े बड़े शास्त्रों को रट लें, सारे तत्वों का नाम याद कर लें, सारे तत्वों का पारायण कर लें, किंतु जब तक मन प्रियता और अप्रियता की अनुभूति से मुक्त नहीं होता, यह संवेदन हमारा समाप्त नहीं होता, सम्यक दृष्टि उपलब्ध नहीं होती, सत्य उपलब्ध नहीं होता, और सत्य उपलब्ध नहीं होता तो सब दुखों को समाप्त करने का कोई उपाय हमें उपलब्ध नहीं हो सकता। सम्यक दृष्टि, सत्य, सम्यक्त्व, यही एकमात्र रास्ता है, मार्ग है, उपाय है दुखों को समाप्त करने का, समस्याओं को समाहित करने का और विपदाओं को समाप्त करने का। सत्य तब उपलब्ध हो सकता है जब हम मूल सत्ता को जाने, अस्तित्व को जाने। अस्तित्व को जाने बिना वैसा नहीं हो सकता। हम ध्यान इसलिए कर रहे हैं कि ज्ञाता को जाने, ज्ञाता को जाने, विषयी को जाने, दृष्टा को जाने। दृष्टा, ज्ञाता और विषयी जो पर्दे के पीछे चला गया उसका अनुभव करें, एक वैज्ञानिक नहीं जान सकता। एक ध्यानी उसे जान सकता है, क्योंकि ध्यानी जो ध्यान करता है, ध्यान के जो नियम हैं, वे ज्ञाता तक पहुंचने के नियम हैं। वैज्ञानिक के पास ऐसा कोई नियम नहीं कि वह उस सत्ता को जान सके। ध्यानी जिन नियमों के आधार पर चलता है, अपने संवेदन को शुद्ध करता चलता है, अपने भोक्ता स्वरूप को छोड़कर चलता है, कर्ता भोक्ता, भोक्ता और ज्ञाता, ज्ञाता और भोक्ता, सुख और दुख का संवेदन उस व्यक्ति को होता है जो भोक्ता होता है। भोक्ता वह होता है जो प्रियता और अप्रियता का अनुभव करता है। जो ज्ञाता होता है वह घटना को जानता है, भोक्ता नहीं है, भोक्ता नहीं है। उसका काम है केवल जानना, केवल जानना। और जब केवल जानने की बात आती है, वहां ज्ञान शुद्ध हो जाता है, संवेदन शुद्ध हो जाता है, फिर केवल पदार्थ रहता है, कोरा पदार्थ और कोरी सत्ता। हम पदार्थ को पदार्थ के रूप में नहीं जानते, यथार्थ को यथार्थ के रूप में नहीं जानते, यथार्थ को किसी विशेषण के साथ जानते। पीछे कोई विशेषण लग गया, बस आपका काम हो गया। हम पदार्थ को कहां जानते हैं? परमाणु को परमाणु की दृष्टि से नहीं देखते, पदार्थ को पदार्थ की दृष्टि से नहीं देखते, सर्दी को सर्दी की दृष्टि से नहीं जानते, गर्मी को गर्मी की दृष्टि से नहीं जानते। मौसम सर्दी का है और यदि कमरे में हीटर लगा हो तो लगेगा कि हीटर बहुत मूल्यवान। जेठ की दोपहरी हो, खिलखिलाती धूप और कमरे में कोई हीटर लगा दे
आपको लगेगा कि हीटर जितना बेकार दुनिया में कोई पदार्थ नहीं है। हीटर का अपना कोई मूल्य नहीं है, हीटर न अच्छा होता है न बुरा होता है, किंतु सर्दी में आपको हीटर बहुत अच्छा लगता है और गर्मी में आपको बहुत बुरा लगता है। अभी गहरी सर्दी हो और आपको बर्फ मिले, आपको लगेगा कि अच्छा नहीं है। बर्फ मिला, पानी मिले, आप चाहेंगे कि न पिए तो अच्छा है, नहीं तो सर्दी हो जाएगी, प्रतिस्याय हो जाएगा, पानी नाक से निकलना शुरू हो जाएगा। गरम गरम चाय मिले तो आपको लगेगा कि ये बहुत अच्छा समझदार आदमी है कि ठीक समय पर गरम चाय लाया, गरम चाय लाया। चाय तो कोई बुरी नहीं, चाय कोई अच्छी नहीं, बर्फ कोई बुरी नहीं, बर्फ कोई अच्छी नहीं। ठंडा होना पदार्थ का एक पर्याय है और गर्म होना पदार्थ का एक पर्याय है, वह तो अपना पर्याय है, कोई फर्क नहीं पड़ता, किंतु आप भोक्ता हैं। भोक्ता हैं, प्रियता और अप्रियता का संवेदन अपने अस्तित्व के साथ जोड़े हुए हैं, इसलिए सर्दी में कोई ठंडी चीज होती है तो आपको अच्छी नहीं लगती और गर्मी में कोई गर्म चीज होती है तो आपको अच्छी नहीं लगती। गर्मी में ठंडी चीज अच्छी लगती है और सर्दी में गर्म चीज अच्छी लगती है, तो यह लगना पदार्थ का धर्म नहीं है, पदार्थ का गुण नहीं, पदार्थ का अस्तित्व नहीं, ये लगना सारे आपके मन का संवेदन है। जब तक मन के साथ ये लगना जुड़ा रहेगा, मन के साथ ये प्रातिभाषिकता जुड़ी रहेगी, मन के साथ ये प्रियता और अप्रियता का संवेदन जुड़ा रहेगा, तब तक हम पदार्थ की आंख से पदार्थ को नहीं देख पाएंगे, प्रियता और अप्रियता का चश्मा लगाकर ही पदार्थ को देख पाएंगे। और जब प्रियता और अप्रियता का चश्मा लगा रहेगा तो पदार्थ जैसा है वैसा दिखाई नहीं देगा, किंतु जैसा चश्मा है वैसा दिखाई देगा। केवल इतना सा करना है कि चश्मे को उतार दे। यह एक प्रियता की आंख और एक अप्रियता की आंख, एक दाई आंख और एक बाई आंख। प्रियता और अप्रियता की आंख पर ये जो प्रियता और अप्रियता का चश्मा लगा है उसको बदल दे। केवल पदार्थ को पदार्थ की दृष्टि से देखें, वह होगी सम्यक दृष्टि। हमारा सम्यक दर्शन, हमारा सम्यक्त्व, और वह होगा तब घटना घटना रहेगी, चेतना चेतना रहेगी। घटना न दुख करेगी न सुख करेगी, कोई चेतना में परिवर्तन नहीं आएगा। आज न हमारी चेतना शुद्ध चेतना है और न घटना हमारे लिए शुद्ध घटना है। घटना चेतना को प्रभावित कर रही है और चेतना घटना को प्रभावित कर रही है। यह चेतना और घटना दोनों में इतनी गड़बड़ियां पैदा हो गई, इतने विकार हो गए, कोई भी शुद्ध नहीं रहा, शुद्ध नहीं रहा। न आटा आटा रहा, न नमक नमक रहा, न आटे का स्वाद और न नमक का स्वाद, एक मिश्र हो गया, बेजड़ हो गया, बेजड़। न चने की रोटी और न गेहूं की रोटी, चना और गेहूं दोनों मिला दिया, बेजड़ की रोटी बन गई। तो हम तो सब बेजड़ की रोटी बने हुए हैं, बेजड़ की रोटी है। शुद्ध नाम का इस दुनिया में कोई तत्व नहीं है। लोग विरोध करते हैं कि बाजार में बहुत मिलावट हो रही है, बहुत मिलावट हो रही है, लोग चिल्लाते हैं बाजार की मिलावट पर, इतना चिल्लाते हैं पर अपने दृष्टिकोण में कितनी मिलावट हो रही है कोई नहीं चिल्लाता। बहुत मजे की बात है, सारी गड़बड़ी तो दृष्टिकोण में हो रही है, सारी मिलावट तो यहां हो रही है,
बेचारे बाजार वाले तो कितनी मिलावट करते होंगे और हम न जाने जहाँ तब से उठते हैं जागते हैं तब से सोते हैं तब तक न जाने सारी मिलावट ही मिलावट में अपना दिन बिताते हैं और रात बिताते हैं। बहुत गड़बड़ की बात है। हम मिलावट को छोड़ें, पदार्थ को पदार्थ की दृष्टि से देखें।